तू एक गाल दस यार, वो यार याद है शटी, तू कॉलेज के दिनों में तो बड़ा फकड़ हुआ करता था, चार आने मुझसे मांगकर बड़ा पाव गया करता था। ये बंगला, ये गाड़ी, ये होटल वगैरह, ये सब कहां से आया यार? बड़ा हाथ मारा है क्या तगड़ा? गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या ये सब होटल बंगला कमाने के लिए तुझे अपने गुर्दे बेचने पड़े? नहीं नहीं विशु, नहीं, जय गुरुदेव, मेरा गुरुदेव गुरुदेव। हाँ, हाँ, वो होटल, ये बंगला, ये सब गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है। यार अगर प्रसाद इतना तगड़ा है तो मेन डिश की होगी यार। एक बार हमारा गुरुदेव बहुत बीमार, हम उसका बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, तब उसमें हमको ये सब मिला। आप एक काम कीजिए शेट्टी अंकल, आप मिस्टर मेहरा को ऐसे किसी गुरुदेव से मिला दीजिए ताकि अपना नया रेस्टोरेंट शुरू कर सके। हाँ यार, वो छड़े यार, मैं ये गुरु शुरू में नहीं मानता। क्या पता है, पंजाब गुरदासपुर में मेरे भी एक गुरुजी हुआ करते थे, गुरु दयालु। मैंने उनकी इतनी सेवा की थी कि हेल्थ के मारे वो बिल्कुल टमाटर की तरह पिंक हो गए थे। फिर क्या, एक दिन पता चला कि गुरु दयालु बड़ा चालू था, वो बहुत बड़ा स्मगलर था, पुलिस उसे उठा के ले गई। हाँ, और मिस्टर मेहरा बच गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे गुरुदेव स्मगलर नहीं होते, कोई अच्छे गुरुदेव भी होते हैं। शाबाश शाबाश गुरु, शाबाश। तुम अपना ससुर को समझाओ, इनका बॉडी की तरह इनका अकल भी जाड़ा हो गया। वो यार सिटी, ये जाड़ा नहीं है, मसल कहने में खाने का टाइम हो गया। कमाल है तुम मद्रासियों की, खाने से पहले भी कैंटी बजाते हो, हम पंजाबी लोग खाने के बाद भी कैंटी नहीं बजाते। विशु, हमारा खाने का टाइम टाइम टू टाइम, तुम्हारी तरह नहीं। शुभ, हम तुमसे बहुत कुछ, बोलो क्या खाएगा? ये सवाल आप मिस्टर मेहरा से कीजिए, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो एम आई। विशु, हो जाए एक वेजिटेरियन स्पेशल। वो यार, वेजिटेरियन भी कभी स्पेशल रहा है? क्या बात कर रहा है यार शिव, तुम मांस मच्छी नहीं खाता? यार तुम जैसे लोग अगर घास फूस ही खाते रहे तो आने वाले 10 साल में तो दुनिया की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी। And what about our environment? बाद की बात बाद में, अभी खाने का बोलो। हाँ, अभी तो मैं कुकड़ खावांगा, और रही विस्की की बात, वो तो मैं कार्टून ही लेके आया हूँ। What? हमारा घर में नॉन वेज? हमारा होटल में नॉन वेज नहीं बनता, हमारा गुरु जी का आदेश है ना। डोंट वरी अंकल, आज मिस्टर मेहरा वेजिटेरियन खाएंगे। नहीं, घास हरगिज नहीं खाएगा, शेर भले ही भूखा मर जाएगा। वो दिन कब आएगा? कितना काम? नहीं, शेर घास कब खाएगा? हरगिज नहीं। सुबह शायद तू भूल रहा है कि ये पंजाबी बॉडी है मटन और मच्छी की बनी हुई, तेरी तरह इडली डोसा और मसाला डोसा का नहीं समझा? एक बात बताओ मिस्टर मेहरा। क्या? आप हर रोज ऐसी अंडा चिकन मटन खाते रहना तो एक दिन आपका ये बॉडी ब्लम ब्लास्ट हो जाएगा। जिस बॉडी को मटन चिकन ना मिले उसका ब्लास्ट होना ही अच्छा है। विशु, तू फिक्र मत कर, तेरा नॉन वेज आएगा, तू खाएगा। लेकिन इधर नहीं। तो फिर किधर? उधर सर्वेंट क्वार्टर। नहीं अंदर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं। दे। थैंक यू। तुम उधर। आप मिस्टर मेहरा के बारे में चिंता मत कीजिए, वो यहाँ आने से पहले 3 बार गाड़ी रोक के पता नहीं क्या क्या चिकन फिश पाया, पूरा चिड़ियाघर खा चुके हैं। राम राम, पता नहीं लोग कैसा नॉन वेज खाता है। ओए, अपने दम पर खाते हैं, बगैर पंखे के खाते हैं। ओ शेट्टी, तूने मुझे किस जगह ले जाकर पटक दिया है? गर्मी के मारे मेरा रोस्ट हो गया, आज फ्राइडे, इसका मतलब तू मुझे फ्राई कर देगा?